हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज है 7 दिसंबर। तो 7 दिसंबर के आपके जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल जब हमने 6 दिसंबर के करंट अफेयर्स पढ़े थे तो लास्ट में आपको एक टेस्ट क्वेश्चन दिया गया था। सबसे पहले वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर्स। सो देखिए, कल का आपका टेस्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में किस देश को ग्रुप 20 देशों का अध्यक्ष बनाया गया है। तो उस देश का नाम था सऊदी अरब। सी ऑप्शन आपका सही था। काफ़ी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया था। प्लस मैंने आपको ये भी बताया था जब मैंने पढ़ाया था कि जो सऊदी अरब है ये पहला अरब देश है जिसे ग्रुप 20 का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में ये आपको याद रखने की इम्पॉर्टेंट है जो कि। और अब शुरू करने जा रहे हैं आज के करंट अफेयर्स। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच इंद्र अभ्यास ऑर्गेनाइज किया गया। तो उस देश का नाम है रूस, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। हाल ही में भारत और रशिया के बीच में इंद्र अभ्यास 2019 ऑर्गेनाइज किया गया। कब से कब तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो 10 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो भारत के अंदर पुणे में, गोवा में और बबीना जो कि आगरा के पास है वहाँ पर इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, अलग अलग जगहों पर इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये भी पता चाहिए कि ये इंद्र अभ्यास क्यों ऑर्गेनाइज किया जा रहा है भारत और रूस के बीच में। तो भारत और रशिया की जो सेनाएं हैं उनके बीच में आपसी संबंध को बढ़ावा देने के लिए इस अभ्यास को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको रशिया के बारे में इंपॉर्टेंट नोट करना होगा। उससे पहले आपको बता दूँ कि जो इंद्र अभ्यास है ना, इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी। 2003 में इसे पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, अब रशिया यहाँ पर है। रशिया, इसकी कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर है दिमित्री मेडवेडेव। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई रशिया से रिलेटेड। अगला करंट अफेयर क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे यूनिसेफ के डैनी काए मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उनका नाम है प्रियंका चोपड़ा, यानी कि ये ऑप्शन अब सही है। प्रियंका चोपड़ा आप लोग जानते हैं, हमारी बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं और इन्हें हाल ही में यूनिसेफ के द्वारा डैनी काय मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने समाज के लिए कुछ बेहतर कार्य किया हो। ठीक है, यहाँ पर आपको यूनिसेफ के बारे में बताती हूँ। देखिए, यूनिसेफ इसकी फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। क्या फुल फॉर्म है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। और इसकी स्थापना 1946 में हुई है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और यूनिसेफ के जो हेड है उनका नाम है हेनरिटा एच फोर। ठीक है, हेनरिटा एच फोर यूनिसेफ के हेड है, उनका नाम भी याद रखना है। और आपको बता दूं कि ये जो अवार्ड है ना, डैनी काय मानवतावादी अवार्ड, इसका नाम डैनी काय के नाम पर रखा गया। डैनी काय ये ना अमेरिका के बहुत ही फेमस एक गायककार थे और एक अभिनेता भी थे जिनके नाम पर इस अवार्ड का नाम रखा गया। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा का नाम आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट याद रखना है और यूनिसेफ के बारे में याद रखना होगा इस क्वेश्चन में आपको। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में अवंती मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया। तो उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी। ए ऑप्शन आपका सही है। एमपी में हाल ही में अवंती मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया। अब ये फूड पार्क क्यों बनाया गया, ये मेगा फूड पार्क क्यों बनाए जाते हैं आपको ये बता दूं। देखो, इस मेगा फूड पार्क में क्या होता है कि अलग अलग तरह के फूड्स की प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद उसे डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल किया जाता है। ठीक है, इसीलिए ये मेगा फूड पार्क बनाए जाते हैं और ये हाल ही में मध्य प्रदेश में बना है। यहाँ पर आपको हमारे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री यानी कि फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के मिनिस्टर का नाम याद रखना होगा, क्योंकि ये जो मेगा फूड पार्क है उसका उद्घाटन उन्होंने ही किया है। तो उनका नाम है हरसिमरत कौर बादल। हरसिमरत कौर बादल का नाम यहाँ पर याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। एमपी के बारे में बताती हूँ, क्योंकि ये जो मेगा फूड पार्क है ये एमपी में बनाया गया है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश, इसकी कैपिटल है भोपाल, चीफ मिनिस्टर कमलनाथ है और गवर्नर लालजी टंडन है। और एमपी के अंदर लोकसभा की सीटें 29, राज्यसभा की सीटें 11 और विधानसभा सीटें 230 हैं। और एमपी में लोग जो फोक डांस है वो है गिद्दा और जो नेशनल पार्क है वो है माधव नेशनल पार्क। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है एमपी से रिलेटेड।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऐप को वर्ष 2019 की सर्वश्रेष्ठ गूगल प्ले ऐप बनाया गया है? तो इस एप्लीकेशन का नाम है शिल्पा शेट्टी ऐप, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। आपको पता है शिल्पा शेट्टी ये एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं और इनकी एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है शिल्पा शेट्टी ऐप। ये एक फिटनेस ऐप है इनकी और इसे हाल ही में 2019 की सर्वश्रेष्ठ गूगल प्ले ऐप बनाया गया है। किस बेसिस पे बनाया गया है? तो जो ऐप सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा पसंद की गई है और जो सबसे ज़्यादा यूज़ की गई है उस एप्लीकेशन को सर्वश्रेष्ठ गूगल प्ले ऐप बनाया गया है। और 2019 की गूगल प्ले ऐप है शिल्पा शेट्टी ऐप। और ये जो ऐप है इसे किस कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है? तो व्यक्तिगत विकास कैटेगरी में इस ऐप को ये अवार्ड दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ गूगल प्ले ऐप का अवार्ड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो नाटो शिखर सम्मेलन इसे हाल ही में ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड, बी ऑप्शन आपका सही है, इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज किया गया। इंग्लैंड के अंदर कहाँ? तो इंग्लैंड के अंदर लंदन में से ऑर्गेनाइज किया गया। और आपको बता दूं कि 2019 में अगर ये सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है नाटो सम्मेलन, तो इसका कौन सा संस्करण ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ये भी पता नहीं। तो 17वां संस्करण है इसका नाटो, इसके बारे में इंपॉर्टेंट नोट करना होगा, एग्जाम से पूछ लिया जाता है। तो देखिए नाटो सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, तो इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या फुल फॉर्म है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और नाटो की स्थापना 1949 में हुई है। नाटो का हेडक्वार्टर बेल्जियम में है और डीजी का नाम याद रखें तो नाटो के डीजी है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। क्या नाम है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। अब यहाँ पर यूके के बारे में बताऊंगी, इंग्लैंड के बारे में। यहाँ पर यूके किसकी कैपिटल है? लंदन। करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है इंग्लैंड से रिलेटेड। और अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि हाल ही में किसने तीसरे राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो उनका नाम है पीयूष गोयल, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। पीयूष गोयल कौन है? तो ये हमारे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं। और हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया है। क्यों ऑर्गेनाइज किया गया? तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए और ई मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए ये सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया 2019 में। पीयूष गोयल का नाम याद रखना है और ये हमारे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं, ये भी आपको इंपॉर्टेंट नोट करना है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने रोजर फेडरर के सम्मान में एक सिक्का जारी किया है? तो उस देश का नाम है स्विट्जरलैंड, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। स्विट्जरलैंड के ये टेनिस प्लेयर हैं रोजर फेडरर, आपको मैंने बताया ही है टेनिस प्लेयर हैं ये, और इन्हीं के सम्मान में एक सिक्का जारी किया गया। 20 फ्रैंक का सिक्का है ये, ठीक है। जैसे हमारे भारत में 20 रुपये हो, तो वैसे मैंने आपको बताया ना फ्रांस स्विट्जरलैंड की जो करेंसी है स्विस फ्रैंक, वहाँ का सिक्का है ये। 20 फ्रैंक का सिक्का जारी किया गया है। और आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि जो स्विट्जरलैंड है ना, ये ऐसा देश बन गया जिसने पहली बार किसी जीवित व्यक्ति के याद में ये सिक्का जारी किया है, ठीक है। यहाँ पर आपको स्विट्जरलैंड के बारे में नोट करना होगा, यहाँ पर स्विट्जरलैंड इसकी कैपिटल है बर्न और करेंसी मैंने अभी बताया स्विस फ्रैंक करेंसी है, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड के बारे में ये इंपॉर्टेंट बातें आपको नोट करनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP25 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो COP25 इसे हाल ही में मैड्रिड में ऑर्गेनाइज किया गया, सी ऑप्शन आपका सही है। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, वहां पर इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। और ये जो सम्मेलन है ये यूएन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, यूएन। तो यहाँ पर आपको यूएन के बारे में पता होगा, उससे पहले आपको बता दूं कि ये जो सम्मेलन है ना ये 2 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। यूएन के बारे में बताते हैं, यूनाइटेड नेशन इसकी फुल फॉर्म है। यूएन का जो हेडक्वार्टर है ये आप लोग जानते हैं न्यूयॉर्क में, इसकी स्थापना 1945 में हुई है। और इनके जो डीजी है उनका नाम है एंटोनियो गुटरेस और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जो है उनका नाम है मीना जे मोहम्मद। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है, यूएन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर स्पेन के बारे में बताऊंगी क्योंकि स्पेन के मैड्रिड में ये जो COP25 सम्मेलन है इसे ऑर्गेनाइज किया। तो यहाँ पर स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, करेंसी है यूरो, किंग का नाम है फिलिप VI और प्राइम मिनिस्टर है पेड्रो सांचेज। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई स्पेन से रिलेटेड। अब देखिए इस क्वेश्चन में कोप, इसके फुल फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोप की फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या फुल फॉर्म है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कोप की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एग्जाम्स में, याद रखना है इसलिए आपको। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा बॉर्डर मैन की वार्षिक पत्रिका जारी की गई है? तो उनका नाम है
नित्यानंद रॉय, ये ऑप्शन आपका सही है, नित्यानंद रॉय ये हमारे गृह राज्य मंत्री हैं, ठीक है, गृह राज्य मंत्री हैं, और इन्होंने हाल ही में बॉर्डर मैन वार्षिक पत्रिका जारी की है, जिसमें हमारे बॉर्डर पे जो सैनिक कार्य करते हैं उनके बारे में लिखा गया है, एक मैगजीन आई है, ठीक है, और ये जो पत्रिका है इसे कब जारी किया गया, तो BSF की स्थापना दिवस पर इसे जारी किया गया, BSF की स्थापना दिवस मैंने आपको बताया था 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया था, और इस साल यानी कि 2019 में BSF की स्थापना दिवस का 55वां संस्करण ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है, ये भी आपको नोट करना है, यहाँ पर नित्यानंद रॉय का नाम भी आपको इंपॉर्टेंट नोट करना है, ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई इस क्वेश्चन से रिलेटेड, और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने माई हेल्थ वुमेन सुरक्षा नीति शुरू की है, तो उस कंपनी का नाम है HDFC इग्रो, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है, HDFC इग्रो ने हाल ही में माई हेल्थ वुमेन सुरक्षा नीति शुरू की है, क्यों शुरू की गई है, तो ये एक मेडिकल इंश्योरेंस योजना है जिसमें वुमेन की बीमारियों को कवर किया जाएगा और उन्हें इंश्योरेंस क्लेम दिया जाएगा, ठीक है, HDFC इग्रो इसके बारे में पता नहीं, HDFC इसकी फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, और इसकी स्थापना देखिए 2002 में हुई है, और इसकी जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है महाराष्ट्र के अंदर, और HDFC एग्रो इनके CEO और MD का नाम याद रखना है, तो CEO और MD है रितेश कुमार, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई HDFC एग्रो से रिलेटेड, इस क्वेश्चन के बारे में आपको इंपॉर्टेंट नोट करना है, और ये थे आपके आज के यानी कि 7 दिसंबर के करंट अफेयर्स, और जैसे कि स्टार्टिंग में कहा गया आपको कि लास्ट में एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आज का टेस्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को देश का पहला इटराइट स्टेशन बनाया गया, इन 4 ऑप्शन से बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, सो फिर से वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़े हमारे साथ, थैंक यू।